ओके सर टूडे विल बी रिवाइजिंग द टॉपिक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा था द कंसेप्ट क्या होता है कंसेप्ट देर आर टू पार्टीज विच आर इन्वॉल्व देर इज पार्टी ए एंड देर इज पार्टी बी ए हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सो क्या होना चाहिए सबसे पहले क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए इसमें बी विल प्रोमिस टू पे ए द मनी एट अ फ्यूचर डेट बट ये क्या होता है दिस इज अरल प्रोमिस तो ये ओरल प्रोमिस की वैलिडिटी से अच्छा क्या होता है अ रिटर्न वैलिडिटी विच इज गिविन इसलिए ए गिव्स अ रिटर्न ऑर्डर ए गिवस अ रिटर्न ऑर्डर टू बी

ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट अगर एक पार्टी को पैसे रिसीवेबल है जो यहाँ पे कौन है ए पार्टी तो उसके बुक्स में ये क्या दिखता है Bills, receivable. And जिसको ये बिल के अगेंस्ट पैसे पेएबल है उसके बुक्स में ये क्या देखता है बिल्स पेएबल यहाँ पे जो पार्टीज होती है उसमें द पर्सन वॉज द बिल ए और हु गिव्स द रिटर्न ऑर्डर इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल और द पर्सन इज गोइंग टू पे द मनी अगेंस्ट द बिल ही इज कॉल्ड एज द ड्रॉई क्लियर सो ए बी दो पार्टीज ए क्रेडिट सेल करता है बी क्या करने वाला है प्रोमिस दे रहा है टू पे एट अ फ्यूचर डेट इसलिए ए द ड्रॉवर ड्रॉज द बिल गिवज एंड ऑर्डर टू बी बी द ड्रॉइ एक्सेप्ट ऑर्डर एंड एग्रीज टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द पर्टिक्यूलर डेट विच इज मैं बिल इसलिए ये वो हम दिखाते हैं ए के बुक्स में एज अ बिल रिसीवेबल एंड बी के बुक्स में एज अ बिल पेबल सो टू पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ड्रॉई क्लियर हो गए पे पे कौन होता है पे इज द पर्सन हू इज गोइंग टू रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल सो यहां पर सकता है पे कैन बी ए हिमसेल्फ इफ ही हैज नॉट डन एनीथिंग विथ द बिल बट रिटेन द बिल विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट सो फर्स्टली इफ द बिल इज रिटेन इज द पे Second scenario क्या होता है? Second scenario होता है? है मनी ऑन आर बिहार तो यहाँ पे ये बी एफ सी ओ बी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स के पास हमारा बिल जो है वो चला जाता है तो यहाँ पे पे कौन बन जाएगा द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स थर्ड जो यूज होता है दैट इज इट इज डिस्काउंटेड विद बैंक सो डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या किया जाता है यहाँ पे ये जो हमारा बिल है हमको अगर उसकी मेच्योरिटी डेट तक रुकना नहीं है वी वॉन्ट इनिशियल स्टेज हमको की रिक्वायरमेंट है तो वॉट डू वी डू वी डिस्काउंट द बिल विच वी हैव विद बैंक टेक फंड फ्रॉम द बैंक एंड बैंक के पास हम हमारा बिल सरेंडर करते हैं बैंक अभी किसके पास जाएगा ड्यू डेट पे ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाएगा और अपने पैसे कलेक्ट करेगा तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बैंक से अभी टेम्पररी पीरियड के लिए फंड्स रेस कर रहे सो कॉल्ड एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट इसमें पे कौन बन जाता है इसमें पे बन जाता है द बैंक बिकॉज हमारा बिल किसके पास चला गया बैंक के पास चौथा सिचुएशन होता है जहां पे बिल इज एंडोर्स्ड

ड्रॉवर्स नेम लिखते हैं ड्रॉवर्स एड्रेस उसके नीचे डेट देन वी स्टार्ट द वर्डिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज वर्डिंग में क्या लिखते हैं डैश डेज या डैश आफ्टर डेट या आफ्टर साइट आई ऑर्डर यू टू पे टू मी और टू माई ऑर्डर ऑर्डर का नेम दिया है तो वो अ सम ऑफ रुपीज वट एवर टेन थाउजेंड है थर्टी थाउजेंड है फॉर द वैल्यू रिसीव राइट उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं ड्रॉई का नेम एंड ड्रॉई का एड्रेस राइट साइड में साइन की जाती है किसकी ड्रॉवर की जो ड्रॉ कर रहा है बीच में लाइन ड्रॉ करके हम क्या लिखते हैं एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड और साइन किसकी आती है ड्रॉई की क्योंकि ड्रॉई वो एक्सेप्टेंस दे रहा है अगर वो यस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी लिखी जाती है अभी ये एक्सेप्टेंस जो है ये बिना कोई कंडीशन के जो बिल में लिखा है वो एक्सेप्ट हुआ है उसको क्या बोला जाता है यस जनरल एक्सेप्टेंस या अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है कोई कंडीशन जो ऊपर दी गई है वो एग्रीड नहीं है इसलिए वो कंडीशन चेंज की जाती है ड्राफ्ट सबके सामने आया यस yes. अब हमने डिस्कस किया था और एक पॉइंट विच वाज रिलेटेड टू द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल ड्यू डेट्स के केस में हमको दो टाइप के बिल होते हैं ये पहले तो ध्यान में रखना है एक होता है आफ्टर डेट बिल दूसरा होता है after बिल. After date बिल के केस में जो है वो कहां से काउंट करना चालू करते हैं बिल के डेट से और आफ्टर साइट बिल जो है उसमें हम पीरियड जो है वो कहा से काउंट करते हैं आफ्टर द डेट ऑफ तो ये दो टाइप के बिल है अब हम जब पीरियड हमको दिया है इफ वी आर गिवन द पीरियड इन डेज हमको डेज कैलकुलेट करने हैं कैसे मंथ का जो डेट दिया है वो टोटल मंथ के डेज से माइनस करके फिर एड करो उस हिसाब से हमने एग्जाम्पल देखे हुए थे मंथ दिए हैं सो स्ट्रेट गो मंथ बाय मंथ जनवरी का मंथ है टू मंथ बोला तो फेब्रुवरी मार्च ऐसे आगे जाना है डेट प्लस द पीरियड गिव्स अस गिविच ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट क्योंकि लॉ के हिसाब से क्या बोला है ड्यू डेट एग्जैक्टली वो कंसिडर नहीं करनी है उसमें थ्री डेज ऑफ ग्रेस एड करने हैं फिर हमको मिलेगी लीगल ड्यू डेट सो नॉर्मल डेट ऑफ द बिल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस द गिव्स अस द नॉमिनल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट में अगर हम ऐड करेंगे थ्री डेज ऑफ ग्रेस तो हमको क्या मिलती है लीगल ड्यू डेट क्लियर है ये थे बेसिक्स ऑफ द चैप्टर आगे बढ़ेंगे टू द अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज अब इसमें हमको ये थ्री कॉलमनर फॉर्मेट लेना है जहां पे हम पूरा चैप्टर की एंट्रीज जो है वो समराइज करेंगे फाइन सो इन दिस फर्स्ट कॉलम इज द ट्रांजेक्शन सेकेंड कॉलम इज एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ड्रॉवर के बुक्स में एंट्रीज ड्रॉई के बुक्स में एंट्रीज फाइन अब यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे विथ आर रेग्युलर एग्जाम्पल ए कौन है ए इज द ड्रॉवर सो यहां टॉप में लिखो ए एंड बी इज द ड्रॉय ये एंट्री समझने के लिए हमको आसान जाएगा इसलिए हम ये अज्यूम करें ओके ओके नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन ए सोल्ड गुड्स टू बी पहला ट्रांजैक्शन है ए सोल्ड गुड्स टू बी इसकी एंट्री ए के बुक्स में क्या आएगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी के बुक्स में क्या आएगी एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कोई दिक्कत इसमें नहीं ऑल क्लियर सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या आता है ए ड्रॉज अल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड बाई बी ए ड्रॉज अल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड बाई बी इसकी एंट्री ए के बुक्स में क्या होगी ए के पास बिल्स रिसीवेबल आया किसका अकाउंट क्लोज हो गया बी का एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बी के बुक्स में ये क्या बन जाएगा बिल्स पेबल किसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा ए का एंट्री एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्लियर तीसरा पॉइंट यूजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अलग अलग यूजेस होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के पहला यूज क्या है फर्स्ट यूज इज रिटेन्ड कोई एंट्री आएगी नहीं लिखो आगे नो एंट्री सेकेंड है सेंट टू Bank for Collection Entry. Okay. Yes, Bank for Collection of Bills Account. Bank for Collection of Bills Account Debit to Bills Receivable Account. क्लियर नेक्स्ट थर्ड यूज डिस्काउंटेड विथ बैंक एंट्री बोलो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट याद आ रहा है क्या yes. यहां पे डिस्काउंट वाला कंसेप्ट डिस्काउंट में अगर आपको डिस्काउंट की अमाउंट डायरेक्टली दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है डिस्काउंट अमाउंट कहां से कहां तक के पीरियड के लिए कैलकुलेट करोगे रेट एंड कैलकुलेट द डिस्काउंट फॉर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल कितने पीरियड के लिए आपने बैंक से फंड्स लिए जिस दिन डिस्काउंट किया उस दिन से लेके मैच्योरिटी डेट तक ये पीरियड के लिए फंड्स लिए तो वो पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आ जाता है इन द डिस्काउंट राइट येस फोर्थ यूज येस फोर्थ यूज इज एंडोर्स्ड टू सी एंडोर्स टू सी है तो एंट्री सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स करने के लिए बिल रिसीवेबल दो तो एंट्री थी चेंज हो रही थी वो क्या हो रहा था बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल याद आया उस टाइप के क्वेश्चन यस सो दिस इज द एंट्री फॉर एंडोर्समेंट उसमें कुछ वेरिएशन आता है तो यू कैन डील विथ एस पर द सब फाइन चारों सिचुएशन समझे इस सब सिचुएशन में बी के बुक्स में क्या हो रहा है नो no एंट्री ऐसा ब्रैकेट बना के लिख दो नो no एंट्री ऐसा ब्रैकेट बना के लिख दो नो no एंट्री क्लियर यस yes. आगे बढ़ते हैं फोर्थ अ बिल इज ऑनर्ड अगर बिल इज ऑनर्ड तो क्या होता है बिल इज ऑनर्ड में फर्स्ट केस इफ रिटेन्ड अगर रिटेन वाला बिल ऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी रिटेन वाला बिल मतलब बिल अपने पास है बिल रिसीवेबल है कैश बैंक में पैसे रिसीव होंगे और बिल रिसीवेबल जो है वो मैच्योर हो रहा है खत्म हो रहा है तो बिल रिसीवेबल को क्या जाएगा क्रेडिट एंट्री क्या होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पास द एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सेकेंड सिनारियो इफ सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अगर कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा है तो पैसे ऊपर किससे रिसीवेबल बन गए थे बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स से तो उनसे पैसे रिसीव हो जाएंगे तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स को क्या हो जाएगा क्रेडिट बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट इसके साथ साथ कभी कभी यहां क्या लगाता है बैंक बैंक चार्जेस कलेक्शन चार्जेस लगाता है राइट right? तो वो कहां पे जाएंगे बैंक चार्जेस को भी डेबिट मतलब पैसे कमाएंगे बैंक चार्जेस को भी डेबिट होगा बी एफसीओबी का अकाउंट क्लोज होगा क्लियर कंसेप्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट फिर अगर बैंक चार्जेस है तो वो आ जाते हैं ये बैंक चार्जेस मतलब कौन से है कलेक्शन के राइट right? पेंसिल से लिख दो कलेक्शन के अगर पूछे तो लग, लिखने हैं नहीं तो एंट्री क्या होगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट एंट्री क्लियर नेक्स्ट अब थर्ड और फोर्थ सिचुएशन Heard, क्या होता है इफ डिस्काउंटेड एंड इफ एंडोर्स्ड दोनों एक के नीचे एक लिख दो इफ डिस्काउंटेड इफ एंडोर्स्ड दोनों में से कोई भी केस है तो क्या हो जाएगा बिल तो हमारे पास से चला गया है हमारे पास क्या पैसे आएंगे नहीं बैंक जाएगा पैसे लेगा एंडोर्स जिसको किया है वो जाएगा पैसे लेगा आपके पास एंट्री आएगी क्या नहीं तो यहां ब्रैकेट बना के लिख दो नो एंट्री इज इट क्लियर अब बात करते हैं ड्रॉई के बुक्स की मतलब बी के बुक्स की सब सिनेरियोज में कोई भी सिचुएशन में बी के पास एक ही एंट्री होगी क्योंकि वो बिल ऑनर कर रहा है तो बी के बुक्स में अगेन कॉमन ब्रैकेट बना के लिख दो क्या एंट्री आएगी उसका बिल पेबल कैंसिल हो जाएगा तो बिल्स पेएबल विल बी डेबिटेड एंड मनी विल बी पेड कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट bills payable account debit to cash or bank account all good ab next entry fifth bill is dishonored अब समझो इसके कोई भी इफेक्ट में सबसे पहले तो हमको क्या ध्यान में रखना है दैट अ बिल इज ए के से बी विल अगेन बिकम द डेटर इज इट राइट सो हमेशा हर सिचुएशन में एक इफेक्ट क्या आएगा बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड राइट सो एंट्री क्या होगी यहां पे पहला सिचुएशन लेते हैं इफ रिटेन्ड बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसमें अभी बात आती है नोटिंग चार्जेस की रिटेन के केस में बिल किसके पास है हमारे पास है मतलब यहां पे ए के पास है तो ए ने अगर ये फैक्ट ऑफ डिसऑनर का नोटिंग किया है या रजिस्टर किया है तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे ए ने मतलब क्या ए के कैश या बैंक से पैसे गए यस तो हमको यहां पे और एक इफेक्ट क्या इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है टू कैश और बैंक अकाउंट ये किस चीज के है ब्रैकेट में लिखो नोटिंग चार्जेस याद आया यस अब अगला सिनेरियो है जहां पे बाकी के तीनों केसेस है बी भी रहा बैंक रहा या एंडोर्स रहा तीनों सिचुएशन में बी अकाउंट डेबिट होगा क्लियर है टू किसके अकाउंट अगर बी एफ को भेजा है तो बी एफ को बैंक को भेजा है तो बैंक को क्रेडिट हो जाएगा अगर एंडोर्स किया है तो सी को क्रेडिट हो जाएगा यही एंट्री आएगी ओके okay. तो साथ में लिखते हैं उसको सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों सिनारी सेकेंड का क्या है इफ सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स तीसरा सीनाओ इफ डिस्काउंटेड एक के नीचे एक लिख दो कॉमन एंट्री करेंगे एंड चौथा इफ इंडोर्स एंट्री देखो बीज अकाउंट डेबिट इज कॉमन टू बी एफ सी ओ बी या और बैंक और सीज अकाउंट मतलब ये कोई भी पार्टी जिसके पास चला गया वो क्या होगा उसको क्रेडिट बैंक को क्यू क्रेडिट पैसे वहां से जाते हैं डिस्काउंट है तो बी एफ सीओबी को क्यू क्योंकि अकाउंट क्लोज करना पड़ता है उनसे अभी पैसे नहीं आएंगे सी को क्रेडिट क्यू क्योंकि मनी अगेन बिकम्स पेएबल टू सी याद आया यहां पे नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगी अमाउंट विल बी इक्वल टू नीचे लिखो बिल प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट विल बी इक्वल टू बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस कोई यहां नोटिंग चार्जेस की स्पेसिफिक एंट्री नहीं होती है क्या होती है सिर्फ अमाउंट बढ़ जाती है याद आया सबको यस yes. अब यही हम बी के बुक्स में बात करें तो क्या करना है बी के बुक्स में हमको अगेन चारों सिचुएशंस में एक कॉमन एंट्री करनी है क्या बिल पेबल कैंसिल हो रहा है बिल पेबल अकाउंट डेबिट एंड मनी बिकम्स अगेन पेएबल टू ए बट यहां पे नोटिंग चार्जेस अगर देंगे तो क्या करना पड़ेगा बिल किसके गलती से डिसऑनर हुआ बी के गलती से तो यहां पे नोटिंग चार्जेस किसके बुक में खर्चा बन जाएगा बी के बुक्स में राइट सो नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे यहां पे डेबिट यस ओके एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल कैंसिल हो गया नोटिंग चार्जेस जिस क्वेश्चन में देंगे वहां पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इज अकाउंट टू इज अकाउंट क्लियर अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर फॉर्मेट रेडी है क्या चलो अब केस देखेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल के केस में कितनी एंट्रीज क्विक चार एंट्रीज पहली एंट्री किस चीज की पहली एंट्री एक तो डिसऑनर या फिर कैंसिलेशन इसमें एंट्री पता है हमने जो ऊपर की है कौन सी एंट्री आएगी लिख दो यहां डिसऑनर 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 की एंट्रीज ऊपर जो डिस्कस की वही यहां पे रिपीट होगी सेकंड क्या है सेकेंड होता है पार्ट पेमेंट अब यहां पे इंटरेस्ट एक तो पहले या पार्ट पेमेंट तो उस ऑर्डर देख के आपको करना है तो यहां पहले लिखते हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है किसके लिए एक्सपेंस ड्रॉवर बिल का पीरियड बढ़ा के दे रहा है राइट right? उसके लिए ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है इसका मतलब वो ड्रॉवर के लिए क्या है इनकम और ड्रॉई जो है ये इंटरेस्ट पे करने वाला है तो वो उसके लिए क्या है एक्सपेंस तो ड्रॉवर के लिए इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड इट इज रिसीवेबल फ्रॉम होम रिसीवेबल फ्रॉम बी एंट्री बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट पर यही बी के बुक्स में क्या होगी ये एक्सपेंस चार्ज होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट इंटरेस्ट एक्सपेंस है पेएबल टू ए तीसरी एंट्री किस चीज की आएगी पार्ट पेमेंट की पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट के केस में क्या करेंगे किसको पैसा आएगा कौन पैसे देगा ए को आएगा बी देगा ए को पैसे आएंगे इसका मतलब ए क्या करेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर सो बी को क्या होगा क्रेडिट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट और बी पैसे देगा किसको ए को तो ए इज द रिसीवर ए इज़ अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट चौथा एंट्री आएगा फ्रेश एक्सेप्टेंस चौथा एंट्री आएगा फ्रेश एक्सेप्टेंस फ्रेश एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या है ए के पास फिर से आएगा बिल्स रिसीवेबल किस से बी से एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बीज अकाउंट एंड बी के पास फिर से क्या आ जाएगा बिल पेबल तो ए का अकाउंट क्लोज होगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्लियर रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट समझ जाओके यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उसका अमाउंट दिया है अगेन तो नो no प्रॉब्लम अगर अमाउंट नहीं दिया है रेट दिया है तो ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ द न्यू बिल मतलब जितना एक्सटेंडेड टाइम दिया और कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट विच इज लेफ्ट टू बी पेड मतलब नए बिल की जो अमाउंट होगी तो नए बिल की अमाउंट नए बिल का पीरियड और जो रेट दिया है वो ये यूज करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है डन यस नेक्स्ट केस सेवेंथ केस रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायरमेंट मतलब बिफोर ड्यू डेट अगर रिटायर हो रहा है तो क्या अभी ए को पैसे मिलने वाले थे अगेंस्ट द बिल तो फिर से रिटायरमेंट हो रहा है तो दो केसेस में ही ए के पास पैसे आएंगे रिटेन वाला केस या बी एफ सी अज्यूम करते हैं यहाँ रिटेन वाला केस है तो ए के पास पैसे आएंगे कैश और बैंक को क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा उसके बाद उसको ए को पैसे मिलते टाइम कम पैसे आएंगे कम पैसे क्यों आएंगे बिफोर ड्यू डेट पैसे मिल रहे तो यहां पे क्या होगा डिस्काउंट देना पड़ेगा सो इट विल बी एन एक्सपेंस फॉर ए तो रिबेट अकाउंट को भी क्या हो जाएगा डेबिट एंड टू बिल रिसीवेबल या बी एफ बी को भेजा है तो टू बी एफ सी ओ बी राइट चलो एंट्री क्या होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक तो बिल रिसीवेबल है तो मतलब हमारे पास रिटेंड है तो या बी एफ सी ओ बी को भेजा है तो बाकी दो केसेस में क्या हमारे पास एंट्री आएगी नहीं आएगी राइट नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट का टाइम जब आ रहा है तो बी पेमेंट करने वाला है पेमेंट करेगा तो कैश और बैंक को क्या हो जाएगा क्रेडिट अब ये पेमेंट करते टाइम कम पेमेंट करेगा बिकॉज वो अर्ली पेमेंट कर रहा है तो यहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड, तो रिबेट को क्या हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स राइट सो एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू और बैंक अकाउंट टू रिबेट अकाउंट समझे नेक्स्ट केस यस इंसॉल्वेंसी किसकी होती है ये इंसॉलवेंसी इंसॉलवेंसी ऑफ ड्रॉई इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई तो इसमें पहली एंट्री जो आती है वो फिर से क्या डिसऑनर तो सब जगह लिख दो डिसऑनर डिसऑनर सेम एंट्रीज ऊपर जैसी की है वही उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है दैट इज रिलेटेड टू फाइनल सेटलमेंट दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज रिलेटेड टू फाइनल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट के केस में ए के पास क्या सिचुएशन होगी कुछ पैसे आएंगे कुछ पैसे नहीं आएंगे और क्या करना पड़ेगा बी जो ऊपर की एंट्री में डेटर बना है यहां होगा ना बी डेटर बनेगा डिसऑनर के केस में तो बी वहां पे क्या बी को वहां पे क्या करना है अकाउंट क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा तो जो पैसे आएंगे वो कहां डालोगे बैंक अकाउंट में रिमेंबर फाइनल सेटलमेंट इज ऑलवेज डन थ्रू बैंक वहां पे कैश लिखने की जरूरत नहीं है बैंक लिखना है जो नहीं मिलेंगे वो कौन से अकाउंट में डालोगे बैड डेट्स अकाउंट राइट सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बी के बुक्स में क्या होगा एक अकाउंट सेटल कर देना है तो एज अकाउंट विल बी डेबिटेड ए लाइबिलिटी है ना क्लोज करनी है डेबिट पैसे जो जाएंगे वो कहाँ आएंगे टू बैंक अकाउंट और जो पैसे बी नहीं पे कर पाएगा वो कौन से अकाउंट में डालेगा डेफिशिएंसी। तो so, यहां लिखोगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट डन समरी ऑफ द इंटायर चैप्टर कोई दिक्कत इसमें सबको समझा ऑल डॉन लास्ट पॉइंट छोटा सा जो बचा है क्या बचा नहीं उसमें नहीं लिखना है लेजर का बस रिविजन करना है इन द बुक्स ऑफ ए ए के बुक्स में हमको क्या बनाने को बोलते हैं बीज अकाउंट और सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ बी वहां पे क्विकली आपके बुक में टी फॉर्मेट बना टी फॉर्मेट टी फॉर्मेट बना लो इन द बुक्स ऑफ ए ए कौन है ड्रॉवर बी का अकाउंट बना रहे ड्रोवर के बुक्स में जब भी हम बी का अकाउंट बना रहे इसका मतलब बी से पैसे क्या है ए को रिसीवेबल है तो बी कौन है हमारा डेटर तो एक तो पहले होगा कि हमने बी को सेल किया या फिर उससे पैसे रिसीवेबल है दो सिचुएशंस है तो एक तो एंट्री पहली कहा आएगी यहां पे एक तो लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या फिर टू सेल्स क्लियर है क्या एक तो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा या सेल्स की एंट्री होगी तो फर्स्ट एंट्री कहां आएगी डेबिट साइड में क्योंकि ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉई कौन है डेटर ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉई कौन है देटर, पैसे उससे रिसीवेबल है राइट यहाँ पे अभी ध्यान रखना है जो भी डेबिट साइड में एंट्री जाएगी वो कौन सी है जब पैसे रिसीवेबल बनते हैं और उसका जब भी सेटलमेंट होता है तो कहाँ एंट्री आती है क्रेडिट साइड में तो अभी जब बिल एक्सेप्ट होगा तो क्या हो रहा है सेटलमेंट तो यहां लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अब क्या होता है अब ये बिल हो जाता है डिसऑनर ऑनर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं क्लोज क्लोज राइट डिसऑनर हुआ तो दिक्कत है थर्ड आएगा यहां पे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फिर आएगा हमारा से रिन्यूअल का केस रिन्यूअल के केस में क्या हो जाएगा अभी बिल रिसीवेबल है उसके बाद पार्ट पेमेंट होता है या इंटरेस्ट हमने बोला पहले करेंगे तो यहाँ पे आएगी पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट रिसीवेबल बन जाएगा बराबर है बिल रिसीवेबल का पैसा रिसीवेबल बन गया वैसे ही इंटरेस्ट का पैसा रिसीवेबल बन गया अब इसमें से कुछ क्या होगा कुछ होगा पार्ट पेमेंट तो क्या हो जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट उसके बाद क्या होगा फिर से नया बिल बिल्स, रिसीवेबल अकाउंट। अब हो सकता है इनसॉल्वेंसी हुई तो क्या इन हुई तो ये बिल फिर से डिसऑनर हो जाएगा बी से फिर से पैसे रिसीवेबल बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इंसॉल्वेंसी के बाद क्या करना पड़ेगा फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा तो एट्थ एंट्री क्या आएगी अगेन बाय बैंक अकाउंट पैसे आएंगे और जो नहीं आएंगे वो कहा जाएंगे बाय बैड डेट्स अकाउंट समझा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फ्लो समझ रहा है yes. एक यहां एंट्री डालनी है एक यहां एंट्री डालनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीवेबल्स बनाने हैं सेटल करना है रिसीवेबल बनाएंगे सेटल करना है डन? यस। yes. अब आते हैं यहां पे। इन द बुक्स ऑफ बी एज अकाउंट अगर है तो क्या हो जाएगा एंट्री कहां से चालू होगी बी के बुक्स में ए कौन है क्रेडिट है पैसे पेएबल है राइट right? सो so, एक तो आएगा यहां पे क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या फिर बाय परचेसेस बराबर तो चालू हो जाएंगी एंट्री कहां से क्रेडिट साइड से पेएबल जब भी अमाउंट आएंगे क्रेडिट में आएंगे सेटलमेंट्स जब होंगे तो डेबिट में आएंगे ओके okay? सो so, ये पहला है फिर आएगा अपना बिल पेबल तो टू बिल्स पेबल अकाउंट बीके बुक्स में पेबल है ना बिल्स पेबल अकाउंट ये डिसऑनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाय बिल्स पेबल अकाउंट यहां नोटिंग चार्जेस है तो और आएगा हा यहाँ पे बाय नोटिंग चार्जेस याद आ रही एंट्री नोटिंग चार्जेस वाली क्या है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट तो वो भी आ सकते हैं बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट इसके बाद क्या होगा इसके बाद इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट क्या है एक बी के लिए एक्सपेंस है so कहा लिखा जाएगा क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट अकाउंट पेएबल अमाउंट बढ़ गए अब उनका करो सेटलमेंट पे यहां फिफ्थ एंट्री आएगी टू कैश और बैंक अकाउंट पार्ट पेमेंट सिक्स टू बिल्स पेबल किस चीज का फ्रेश एक्सेप्टेंस का अब ये सिनेरियो फिर से बिगड़ गया तो फिर फिर क्या हो जाएगा बाइबिल्स पेबल ये फिर से बन गया अपना अभी क्रेडिटर अब इसके इंसॉल्वेंसी की फाइनल सेटलमेंट करनी है तो फाइनल सेटलमेंट करते टाइम यहां पे पेमेंट जाएगा टू बैंक अकाउंट एंट्री क्या होती है याद करो एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट तो इसलिए नाइन्थ एंट्री क्या आएगी यहाँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट फ्लो समझा ये चालू होता है क्रेडिट से ड्रॉई के बुक्स में चालू कहां से होता है क्रेडिट से राइट बिकॉज द ड्रॉवर इज द क्रेडिटर अमाउंट इज पेबल तो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट डेबिट फ्लो है फ्लो नहीं तोड़ोगे तो कोई जर्नल एंट्री वगैरह करके रफ में देखने की जरूरत नहीं है जब भी रिसीवेबल है तो डेबिट में लिखो सेटल करो डेबिट में लिखो सेटल करो जब भी पेएबल अमाउंट है क्रेडिट में लिखो उसको सेटल करो क्रेडिट में लिखो उसको सेटल करो जम गया फ्लो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन उल्टे इसमें जाओगे तो चालू कहां करोगे क्रेडिट से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है डन Okay, so that's it about the topic of bill of exchange. Thank you so much. See you.